सांप को पाल रहा था। ऐसा ही कुछ आईपीएल के इन टीम मालिकों ने भी सोचा होगा। सही पकड़े हैं। नाम बड़े और तरसन छोटे, जितना चूना पान वाले भैया पान पर नहीं लगाते हैं, उससे बुरा चूना इन खिलाड़ियों ने अपने टीम मालिकों पर लगाया है। उस चूना लगा दिया। कुछ लोग चूना लगाकर मुंह जलाते हैं, पर इन खिलाड़ियों ने तो खैर छोड़िए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम ऐसे ही टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जिसमें इन खिलाड़ियों की टीम मालिकों की जला भुंजा के एक कर दी। तो दोस्तों बिना देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं, लेट्स गो। आईपीएल 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस सीजन में कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने दमदार खेल से खूब धमाल मचाया है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी रहे हैं जो इस पूरे सीजन में संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। इन खिलाड़ियों से टीम को बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन घटिया प्रदर्शन के कारण ना सिर्फ उन्होंने खुद पर दाग लगाया बल्कि अपनी टीम को भी मुश्किल में डालते हुए नजर आए। ऐसे में आइए दोस्तों हम जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जो इस सीजन अपनी टीम से करोड़ों रुपए लेकर चूना लगाते हुए नजर आए। हमारे इस लिस्ट के नंबर 1 पे एडन मरकरम सनराइजर हैदराबाद से। भाई साहब, ये बंदा सबसे बड़ा दगाबाज माना जा सकता है। एक तो इनको करोड़ों में रिटेन किया गया, दूसरी ओर ये और ये, मतलब कुछ तो लिहाज करो भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अपने लिए नहीं तो मैडम के लिए खेल लेते, इसे कहते नमक और लिपस्टिक के कर्ज को भूल जाना। मारकरम ने इस सीजन 9 मैच में 199 रन बनाए हैं। एक आध मैच को छोड़ दिया जाए तो मारकरम पूरी तरह से फ्लॉप माने जा सकते हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है ईशान किशन मुंबई इंडियंस से। हार्दिक चाचा को कप्तान बनाने के बाद सबसे ज्यादा खुश आदमी यही था। चाचा विधायक है हमारे। उनका मानना था कि हार्दिक पांड्या के कप्तान बनते ही उनका T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होना पक्का है, पर भाई वर्ल्ड कप टीम सिलेक्शन के लिए कुछ तो खेलना भी पड़ता है। दोनों ने ही मिलकर अंबानी जी को पूरी तरह से चूना लगाते हुए नजर आए हैं। अगर किशन की बात करें तो आईपीएल के 17वें सीजन में 15.75 करोड़ में रिटेन किया गया था, हालांकि वह टीम के लिए पूरी तरह फ्लॉप हुए। ईशान किशन मुंबई के लिए 13 मैचों में मात्र 306 रन ही बना पाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। मुंबई की टीम के प्लेऑफ से बाहर होना ईशान किशन की फॉर्म भी एक कारण माना जा सकता है। हमारे इस लिस्ट के नंबर 3 पे है ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी से। ये भाई साहब वही बंदा है जो वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ एक पैर में नाच नाच कर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दिया था, मगर आरसीबी से जुड़ते ही इन पर मनहूसी हावी होती हुई नजर आई। लगातार फ्लॉप होने का एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। भाई साहब, इस साल हमने देखा है कि इनसे ज्यादा छक्के तो सिराज भाई ने मार दिए हैं। भाई कुछ तो शर्म करो यार। आरसीबी का यह धाकड़ खिलाड़ी टीम के लिए 8 मैचों में मैदान पर उतरा और सिर्फ 104 रन ही बना पाए। उनके इस निराशाजनक प्रदर्शन के कारण ही शुरुआत में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था। हमारे इस लिस्ट के नंबर 4 पे है अजिंक्य रहाणे सीएसके से। रहाणे सर पिछले कुछ सीजन में अपने बल्लेबाजी का अंदाज बदलते हुए नजर आए थे और पूरी तरह से सक्सेस भी हासिल की थी, पर इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ना ही अपना फॉर्म बदल पाए और ना ही किस्मत, अजिंक्य रहाणे ने सीएसके को काफी निराश किया। रहाणे ने इस सीजन में सीएसके के लिए 12 मैचों में 209 रन बनाए हैं। टीम के लिए रहाणे एक अहम खिलाड़ी थे, लेकिन खराब फॉर्म के कारण वह बुरी तरह से फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। नंबर 5 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से। इनका फ्लॉप होना फ्लॉप ही कहा जाए या साजिश, न फील्डिंग करना न बैटिंग, चूना लगाना हो तो ऐसे लगाओ कि दो तीन एक साथ लपेटे में आ जाए। क्या पांड्या, क्या अंबानी और क्या ही एमआई मैनेजमेंट, सबके मुंह पूरी तरह से लाल हो रखे हैं, पर इस भाई ने तो अलग ही खेल दिखाया है। मुंबई इंडियंस को अपनी कप्तानी में 5 बार चैंपियन बनाने वाले रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। रोहित शर्मा इस सीजन में 1 शतक जरूर लगाए हैं, इसके बाद वह कुछ खास कमाल करते हुए नजर नहीं आए। रोहित शर्मा मुंबई के लिए इस सीजन में 13 मैचों में 349 रन बनाए हैं। हालांकि अगर पिछले मैच की बात करें तो कल की उनकी शानदार अर्धशतक की पारी काफी जानदार नजर आई, पर आईपीएल की बात करें दोस्तों तो ये अंबानी जी को पूरी तरह से चूना लगाते हुए नजर आए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, कौन से खिलाड़ी को टीम ने रिटेन करके गलती किया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की सूचना यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।